Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugda EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र के सतारा के कराड़ में एक मकान में ब्लास्ट हुआ है। इसमें 6 से 8 लोग जख्मी हुए हैं। धमाका काफी तेज था, जिसके बाद आसपास के मकान और बाहर खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इसराइल हमास जंग के बीच गाजा मीडिया ने बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर से इसराइल ने गाजा पर 12,000 टन से ज्यादा विस्फोटक बरसाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन द्वारा भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अशोक गाड़गिल को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए हैं। कांग्रेस ने सुमावली, पिपरिया, बडनगर और चावड़ा सीट के उम्मीदवारों में बदलाव किए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में 5 राज्यों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कर्नाटक सरकार को अच्छा काम करने के लिए थोड़ा टाइम देने की बात भी कही। महाराष्ट्र में एक बार फिर मराठा आरक्षण के आंदोलन की शुरुआत हो गई है। आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मनोज जरांगे ने जालना में भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के मौके पर नागपुर से वार्षिक संबोधन के दौरान देश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत जरूरत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने और राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर 23 अक्टूबर तक 30,52,32,000 रुपए के अवैध धन राशि और वक्ते जब्त हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के सामने झुककर मराठा समुदाय को आरक्षण देने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए शरीर में खून के आखिरी बूंद तक लड़ने की कसम उठाई। आजाद मैदान में शिवसेना के दशहरा रैली में विशाल सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिंदे ने ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने अपने वैचारिक विरासत के साथ बेईमानी करके बाल ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने दशहरा के मौके पर सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान किया है। UPA 2 के दौरान देश के गृह मंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत विजयादशमी के दिन रावण का पुतला फूंकने के लिए दिल्ली के लोक रामलीला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने गई थी। एक देश एक चुनाव को लेकर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की दूसरी बैठक होनी है। मंगलवार को पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिली। इस उत्सव पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी जश्न देखने को मिला। रानी मुखर्जी से लेकर तनुश्री दत्ता और इशिता दत्ता ने सिंदूर खेला। पूर्व इंडियन क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी और एक्टर अंगद बेदी के पिता का सोमवार 77 साल की उम्र में निधन हो गया था। शर्मिला टैगोर और कपिल देव उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। रणवीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म एनिमल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में रविंद्र के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आने वाली है। दिव्या खोसला कुमार की फिल्म यारिया 2 बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई है। फिल्म लाखों में ही कमाई कर रही है। भारत में खेले जा रहे 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चौतरफा आलोचना हो रही है। विश्व कप के बाद टीम में कई फेरबदल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र पर काम शुरू कर दिया है। सरकार ने सभी मंत्रियों से कामों का ब्यौरा मांगा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।